इसका क्या बोल रहे हो? साढ़े तीन। इसका साढ़े तीन, माशाल्लाह यार, बड़ा भरा हुआ जानवर है ये, और बहुत ही बेहतर मुझे तो कीमत लग रही है कुछ। ये देखिए आप, पूरा छपड़ा इन्हें हिला दिया। जबकि ये ऐसा जानवर है कि अभी मैं इसके साथ खेला भी हूँ, सीधा मारने वाला बिल्कुल नहीं है, सीधा बच्चा है ये। बच्चों के साथ इसको रख सकते? हाँ रख सकते हैं, माशाल्लाह बच्चा बहुत खूबसूरत है, हसीन है। और ये कहाँ का है? पंजाब। पंजाब का है। 2 लाख कितने? 2.5 में दे देंगे आप? 2.5 में फाइनल। फाइनल कैसा लगा? कुछ डिफरेंट है? अच्छे हैं, बहुत सिलेक्टेड और खूबसूरत जानवर हैं ये। इन्हीं के मतलब ऐसे जानवर के बिल्कुल ही अल्लाह ना, मतलब थोड़े फारिग हूँ, लेकिन यहाँ जानवर हर जानवर कट्टू वाले, यानी हर जानवर यहाँ समझ आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब देख रहे होंगे कि रात का टाइम है और मैं मंडी के अंदर मौजूद हूँ, और ये ऐसी मंडी है जहाँ पर नहायत ही मुनासिब कीमत के अंदर जो है ना गाय, बैल और बछड़े बछियाँ वगैरह मिलती हैं। और ये कराची से हटकर है, कराची के अंदर ही, यानी कि शहर के अंदर एक गाँव है, शहर के अंदर समझे कि एक देहात है, उधर हम आए हुए, और इधर हमने बहुत सारी हॉबीज़ भी की हैं, समझे पिकनिक मनाई। इतना अच्छा, इतना प्यारा माहौल है इधर का, हरियाली हरियाली है चारों तरफ। इधर के जितने भी कैटल फार्म है बड़े साफ सुथरे और बड़े अच्छे अच्छे इधर जानवर है नहायत ही मुनासिब कीमत में। अब देखते हैं कि इधर कौन है जो हमें इंटरव्यू देगा। मैं तो अपने तौर पर घूम रहा हूँ, सैर तफरी कर रहा हूँ, इसके साथ साथ आप भी इधर की सैर तफरी करें, ठीक है? आइए, ये लिया है। ए भाई, मदरसे का माल है ये, मदरसे का माल है भाई, आप ये देखें, ये मदरसे का माल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखते अच्छा। ये आ गया, दिखा दिखाओ इधर, लाओ पानी पीने, ये पानी पीने के लिए आ गया, लियाओ करीब लियाओ। दरअसल कैमरा हमारा दूर इसलिए होता है कि कहीं इनके पाँव अगर हम पर न पड़ जाए। कितने का है भाई ये? भाई पता नहीं, भाई पता ही नहीं है भाई, साढ़े तीन मांगूंगा पर फाइनल 2.5 में छोड़ूंगा। फाइनल 2.5 में छोड़ोगे? अगर जे कोई बातचीत करने आ गया तो आप उसको कम में भी दे दोगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? कोई बात बन गई तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह करूंगा, गुंजा सा आएगा, ठीक है ना? ओके। और ये क्या है, ये जो चढ़ा हुआ है ये क्या है भाई? इसका क्या बोल रहे हो? साढ़े तीन। इसका साढ़े तीन, माशाल्लाह यार, बड़ा भरा हुआ जानवर है ये, और बहुत ही बेहतर मुझे तो कीमत लग रही है। कुछ गुंजाइश निकाल लोगे इसकी? इंशाल्लाह आएंगे तो कर लेंगे, आएगी तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, कोई भी व्यूवर्स आएगा तो आप उसे गुंजाइश कर लेंगे, ठीक है ना? ये देखो अपनी खाने पीने की जगह पर जो है ना चढ़ा हुआ है, जहाँ पर इनको भूसी तूड़ी और इनका हरा वो देते हैं चारा। तो काफ़ी सारे जानवर हैं इधर, ये देखो, ये देखें हद्दे नज़र तक जो है ना इधर जानवर ही जानवर नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से, बड़ा खूबसूरत माहौल दिख रहा है। ये तो अभी हंसे मजाक के अंदर जो है ना कीमतें ज़्यादा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई आएगा ख़रीदने के लिए तो फिर हम उसको असल कीमत बताएंगे कि कौन सी कीमत है, और बहुत ही मुनासिब कीमत में बता रहे हैं। यार इधर की लोकेशन बताइएगा सर, मैंने यार बोल दिया, रामाबाद लांडी खुर्रामाबाद, ठीक है, लांडी आर्मी लैंड। अच्छा, तो लांडी की लोकेशन ये बाबर मार्केट के करीब ही है क्या? जी जी बिल्कुल सीधा, ये बाबर मार्केट लांडी के करीब जो है ना बिल्कुल सीधा, इधर जो है ना ये कैटल फार्म बने हुए हैं और बहुत सारे बने हुए हैं बड़े साफ सुथरे। तो खुर्रामाबाद है या खुर्रानाबाद? खुर्रामाबाद। खुर्रामाबाद, खुर्रामाबाद है भाई। MD कैटल फार्म जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, वैसे तो बहुत सारे फार्मों पर हम इधर गए। आप ये देखना भाई, ये इधर जो है इंतजामिया वाले सोते हैं क्या? ये चार पहिए दिखाना, चार पहिए किस तरह की है, बिल्कुल इन गायों की देखभाल के लिए इन लोगों ने कैसा बनाया हुआ यार। वो देखें, रात का टाइम है और काफ़ी टाइम हो चुका है, अगर चे रोशनी की कमी लग रही हो या मेरा चेहरा या ये जानवर वगैरह सही से वाजे ना हो रहे हो तो इसके लिए माजत चाहता हूँ। माजत भी क्या, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो भाई इसको मद्देनज़र रखिएगा हमारी इन्फॉर्मेशन को। तो भाई हमारे चैनल को जो है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है? अभी मैं और दिखाता हूँ आपको। हाँ भाई, पहले पानी बनाने, क्या है ये, बछड़ा है बछड़ी है? बछड़ा है भाई, बछड़ा है जी। ये दो दांत का है? दो दांत का। पानी पिलाने के लिए लिया है इसको वॉक करवाते हुए जी। ऐसे ही है, क्या मांग रहे हो इसके? इसके 4,20। 4,20,000 जी, कुछ ज़्यादा नहीं बता रहे, मुनासिब बताओ। बताने वाले बताए, बताने वाले बताएं। चार भी है,
चार भी है। नहीं बताओ क्या मुनासिब होंगे यार, ये ऐसे तो कस्टमर सुन के भागेगा फिर। कितने मन का होगा तकरीबन अगर वजन के हिसाब से देखें तो? चलो ये वजन भी नहीं बता पा रहे, खुद से आइडिया कर लिएगा आप लोग व्यूवर्स के किस तरह का जानवर है और इतने तक का है या नहीं, कमेंट ज़रूर कर दिएगा, ठीक है ना। तो भाई कहाँ का है वैसे ये जी? कहाँ का है, कौन से इलाके का है? भावलपुर। भावलपुर का जानवर है, भावलपुर का जानवर है, तो ठीक है। और जनाब कैसे हैं आप? भाईजान कैसे हैं आप, सब खैरियत है? भाई ये क्या चीज़ है, बछड़ा है बछड़ी है, क्या है? बछड़ा है। तो ये कितने तक का है तकरीबन? ये 2.5 का मिल जाएगा फाइनल। 2.5 लाख का बहुत ही मुनासिब कीमत है यार, उसमें उस वाले की बहुत महंगी की ज़्यादा कीमत। खूबसूरती है उसमें। अच्छा उस वाले में खूबसूरती है जो 4.20 का बताया है। और ये कहाँ का है? ये पंजाब। पंजाब का है। 2 लाख कितने? 2.5 में दे देंगे आप? 2.5 में फाइनल। फाइनल जी 2.50 में दे देंगे। तो और जो इसके बराबर में इधर ये और वो काले वाले का बताओ? काले वाला 2.30 में ले जाएं। ये वाला 2.30 में? और उसके बराबर में ये जो वो है ब्राउन, ठीक है ब्राउन अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, वो 80 में दे देंगे। 2.80। 2.80 का। तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह? 03122-03-122-03-2490। इधर आए कोई भी कैटल फार्म पर तो वो किस नाम से, यानी कि एमडी कैटल फार्म पर तो आ जाएगा जी। तो रब्ता किससे करें इधर आकर? नाम तो मास भाई के नाम से, मास भाई तकी भाई। मास भाई तकी भाई, भाई। ठीक है। देखें जनाब मैं एक और बात बताता चलूँ कि इधर जो है ना मुख्तलिफ कलर्स हैं, मुख्तलिफ कैटेगरियाँ हैं, मुख्तलिफ इलाकों के ये जो जानवर हैं और जो है उनके फिर उसी हिसाब से प्राइसेस हैं। कभी आप व्यूवर्स आएँ और इनसे बहसबाजी करें तो पहले मुतमईन हो जाइएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद जो है ना आप लोग तो इनसे परचेस कर लीजिएगा। इधर कुछ मुझे ग्राहक भी नज़र आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इनसे इंटरव्यू ले लूँ। जनाब इधर जो है ना हमारे साथ जो ग्राहक हैं जो परचेस करने के लिए आए हुए हैं, कुछ गाय को या बैल को, बछड़े को या बछिया को, उनसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, थोड़ा सा उनसे गुफ्तगु करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बड़ा शुक्र है माशाल्लाह। तो आप किस तरह का जानवर देखना चाह रहे हैं? जानवर बस ज़रा देखने में खूबसूरत हो, तकरीबन 3.5-4 मन का हो, मगर जिस तरीके की मंडी है काफ़ी तेज़ है और रेंज जो है हमारी वो तकरीबन 2.20-2.30-2.40 तक है, तो उस लिहाज से जानवर समझ में नहीं आ रहा। तो अभी ये वाइट वाला है, इसकी अभी बातचीत चल रही है, मैंने लगा दी है तकरीबन 2.5 लाख, तो अभी भी वो ज़रा कुछ चाह रहे हैं कि मैं 10-20 लगा दूँ, पर 2.70-2.75 में बनेगा सौदा, मगर मंडी तेज़ है। मंडी तेज़ है मेरे ख्याल से, ये मंडी जो तेज़ लग रही है अभी कुछ एक हफ्ता बाकी है तो इसलिए शायद लग रहा है। देखें वो तो रिस्की है ना, कि मतलब अगर आप 2 दिन बाद आते हैं क्या पता सस्ते मिल जाए, क्या पता माल ही ना हो। हाँ। क्योंकि अभी पब्लिक पूरी तरीके से उतरी नहीं है, अभी पब्लिक जो है बाजारों में उतरी नहीं है और माल भरपूर है जो है, गर्मी की वजह से भी, फिर बारिशों का भी है। देखें ये तो है रिस्क, और सौदे होते हैं नसीब के। नसीब के बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्योंकि अगर हम अपने लिए कोई गाड़ी लें, बाइक लें या कुछ जो है अपना कुछ भी लें, तो हम लोग ये देखते हैं यार अच्छे से अच्छा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम 10-20 हज़ार रुपए नहीं देखते ऊपर। बिल्कुल। तो फिर ये तो खैर अल्लाह की राह में जा रही है चीज, और इसमें भी अगर हम 20-30-40 हज़ार रुपए दे दें ऊपर तो सिर्फ जैसे कि दे भी दें तो वो तो यार मतलब की राह में ऐसा भी ना हो ना कि जानवर 2 लाख का और आप जो है 2.5 लाख रुपए दे, लेकिन इतना अगर आपको चीज समझ आ जाए तो फिर 10-15-20 हज़ार रुपए देखने का क्या फायदा। और मैंने देखा है कि जब जिस चीज का सौदा बनना होता है ना तो बासानी वो सौदा बासानी और बहुत जल्द बन जाता है, ये भी नसीबों की बात है। तो आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, आपने इस मंडी के अंदर आए हुए, तो आप फर्स्ट टाइम मंडी में आए या चक्कर लगा रहे हैं? मैं मेरे जो साले हैं उनका ही माल है ही। अच्छा। तो मैंने बोला यार चलो आगे पीछे ख्वार होने से बेहतर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मैंने आगे पीछे भी टच किया था तो मुझे लगा कि यार मंडी काफी हाई है, क्योंकि अब लेकिन मुझे निस्बतन कराची के कितने जो है ना कैटल फार्म वगैरह देखे हैं, बहुत सारी मंडियाँ देखी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा साफ सुथरी मंडी लगी है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में मंडी के? मंडी ये वाली मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ उधर। हाँ, कैसा लगा? कुछ डिफरेंट है? अच्छे हैं, बहुत सिलेक्टेड और खूबसूरत जानवर हैं, ये नहीं कि मतलब ऐसे जानवर के बिल्कुल ही अल्लाह मतलब
थोड़े फारिग हों, लेकिन यहाँ जानवर हर जानवर कट्टू माल यानी हर जानवर यहाँ समझ आ रहा है, बस वही पैसे की बात है ना, बस जो आपकी रेंज हो जी बिल्कुल, तो बस उस हिसाब से अल्लाह पाक करा दे कोई ना कोई नसीब। अभी इन लोगों के पास कस्टमर इतना नहीं है, माल बहुत है हर मार्केट के अंदर हर मंडी के अंदर, तो जैसे कस्टमर टूटेगा तो हो सकता है कि फिर देखें वो तो होता है रिस्क, ऐसा भी हो सकता है कि दो दिन बाद आपको यही जानवर 2-10 का मिल जाए, 2 का मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको जानवर ही ना मिले, ना मिले ऐसा भी हो सकता है। भाई अभी जो समझ आ रहा है ले लें, 10-20 हज़ार रुपये ना देखें और लेके घर जाएं, बच्चों के हाथ में रस्सी दें और चिल करें, एक जानवर की खिदमत करें, खिदमत करें। ओके थैंक यू सो मच। ये क्या चीज है भाई? भाई ये पाला है, राजू नाम है, देखो बछड़ा 15 लाख का मांग रहे। 15 लाख? हाँ भाई। ऐसी क्या खास बात? देखो ना सुखड़ी है, देखो तो ना भाई माशाल्लाह, देखो और भी गुंजाश करूंगा, दूसरा भी आएगा, दो पाले कल पंजाब से आएगा, देखो तो ना क्या तो देखभाल है माशाल्लाह भाई, देखो तो ना ये चीज दिखानी है, ये चीज दिखाओ इधर, ये देखो तो ना माशाल्लाह, ऐसे बाल ही नहीं किसी पार्टी को। ओ अच्छा, ये भैंस की नस्ल में खिलाता है? ये भैंस खिलाता है? ये भैंस के भाई, ये बिज्जू है, भैंस का भैंस है बिज्जू। हाँ भाई, ये संडा है भाई, संडा माशाल्लाह भाई, भैंस का भाई, भाई देखो ना ठीक है, पैसे तो बता दिए ना इसके तुमने भाई, बताया हाँ 15 लाख रुपया है भाई, देखो 15 लाख माशाल्लाह यार, लेकिन गुंजाइश तो निकल जाएगी यार इसकी, देखो तो ना भाई माशाल्लाह, गुंजाइश क्या हो जाएगी इसकी बताओ, गुंजाइश बहुत करूंगा, देखो तो ना चीज तो देखो ना माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब आप जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एमडी कैटल के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर बहुत सारे मैंने जानवर भी दिखाए हैं जो कि कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होंगे, माशाल्लाह सुन्नत इब्राहिमी मनाई जाएगी ईद उल अज़हा पर, और अयाज़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ये एक और जानवर है प्यारा सा और बड़े खूबसूरत। अयाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब अयाज़ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान, शुक्र है अल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह। तो आपका ये जो पाला हुआ है, पाला हुआ है आप? जी मैंने पाला है इसको, तकरीबन 3 साल हमने अपने फार्म पे पाला है इसको। इसके साथ आ जाते हैं फिर, तो 3 साल हो गए इसको, 3 साल की उम्र है, 3 साल की कम से कम इसकी उम्र है, 3 से 3.5 साल होगी, और माशाल्लाह से पाटा आप देख लो इस कुरानाबाद के अंदर इतना खूबसूरत पाटा नहीं होगा इंशाल्लाह। वैसे पाटे बहुत है लेकिन इतना खूबसूरत भूरा अपला, हाँ ये माशाल्लाह भूरा पाटा है, ये गुलाबी गुलाबी कहलाता है, और जिस तरह से कब्र चढ़ावा ना ये हर पार्टे पे ये चीज नहीं होती। अच्छा ये चीज आपने देखी है, ये चीज हर पार्टे पे नहीं होगी, या तो पूरा भूरा होगा या काला होगा, ये दो कलर में आया तो अलग है, ये नस्ल ही अलग है इसकी ना। तो इसके क्या मांग रहे हैं आप? मांगने के तो भाई इसके कोई मोल ही नहीं है, ये देखें आप जरा इसकी, इसके मोल ही नहीं है, जो शौकीन आएगा इंशाल्लाह ताला शौक वाले को दूंगा, ये गिरा देगा भाई, गिरा बिल्कुल ये सब गिरा देगा, इसको खोल के अपनी जगह पे लेके जाओ, ये देखें आप पूरा छपड़ा इन्हें हिला दिया, जबकि ये ऐसा जानवर है कि अभी मैं इसके साथ खेला भी हूँ, सीधा मारने वाला बिल्कुल नहीं है, सीधा बच्चा है ये, बच्चों के साथ इसको रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं माशाल्लाह, जब बच्चा बहुत खूबसूरत है हसीन है। तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह शेयर करना चाहें? हाँ मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 03-41-2164-828, यानी 21-64-828। ओके जनाब अयाज़ भाई से मुलाकात कर रहे थे एमडी कैटल फार्म में, और इनका बड़ा प्यारा सा हमने इसको कहते, क्या नाम क्या है इसका? इसको बोलते हैं पाटा, पाटा उन्होंने तो राजा बताया था, इसका नाम असल जो है राजू नाम है इसका, राजू नाम है, राजू तो राजू बोलते हैं ना, वैसे पाटा पाटा कहते हैं, वैसे पाटा जो नस्ल इसकी कहलाती है पाटे की कहलाती है कट्टे की, मगर इसका नाम जो असल है वो है राजू, राजू। अयाज़ भाई इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ओके।